नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं आपका दोस्त करदम रावल लेके आया हूँ आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 7 जुलाई 2018 शनिवार, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो हमने आपके लिए क्या खास किया है, आपके लिए यहाँ पर हमने जनरल स्टडीज के 9 सब्जेक्ट्स का कोर्स बनाया है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस 9 सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स और मेंस के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और इसके साथ एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। 350+ लेक्चर्स है पीडीएफ के साथ में, जो राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने में भी हेल्प करेगी पीडीएफ, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट के साथ पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। टाइम फ्रेम जो है पूरे वीडियोस का मिला के वो है 300+ आवर्स का, और यहाँ पर जो है 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ताकि आप जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रख सके। और यहाँ पर जो है मंथली करंट मटीरियल जो है करंट अफेयर्स का वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स के साथ में, और ये कोर्स है इसकी वैलिडिटी है 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक की है, ताकि जो है आप इसको जब चाहे उतनी बार जो है रिवाइज कर सके, ताकि यहाँ पर जो हमने कहता है कि अनलिमिटेड रिवीजन और नो रिस्ट्रिक्शन, तो इसीलिए जो है 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक जो है आप इसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो को देखना हो या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करना हो। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जो कोर्स है ये आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस से कहीं गुना बेहतर है। अभी जो प्राइस है वो इफेक्टिवली बहुत ही लो रखी गई है, डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, तो हरी अप, क्योंकि अभी जो कोर्स है वो 3,999 रुपीज़ में मिल रहा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। और इस कोर्स को आप प्रमोशनल कोड के साथ और भी सस्ते से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, आज के द हिंदू एडिटोरियल के अंदर जो फन फैक्ट में क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए कमेंट में अंदर, और आंसर देने के बाद जो है अगर सही जवाब रहा तो आप कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आपको जो है डिस्काउंट कोड कूपन प्रोवाइड किया जाएगा, कूपन कोड, और वो कोर्स है आपको और भी सस्ता पड़ सकता है। और एज नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, जहाँ पर आप टच करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट www.upsciexams.com के ऊपर, और वहां पर जो है आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको रखनी है 4 चीजें तैयार, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और बाद में जो है पेमेंट मोड के लिए जो आप पेमेंट करेंगे उसका जरिया आप जो है ऑन द स्पॉट ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाते हुए ऑटोमेटिक जो है ऑन द स्पॉट जो है पूरे वीडियो कोर्स को जो है एक्सेस कर पाओगे। अब तक जो है 100 से ज्यादा वीडियोज यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, काफी अच्छा कोर्स है, 2,000 से ज्यादा एस्पिरेंट इसको प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया है। तो हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलिएगा www.upsciexams.com, और ज्यादा जानकारी के लिए आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिया गया है उसके अंदर भी कॉल कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का रोड मैप किस तरह से रहेगा, पिछले एडिटोरियल में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका आंसर देखेंगे, फिर एक नया सा फन फैक्ट देखेंगे, और फिर नए से फन फैक्ट के बाद जो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का सही जवाब आपको जिता सकता है कूपन कोड इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो सारी चीजें यहाँ पर करेंगे। इसके बाद डिस्कशन जो है पॉलिटिकल प्लॉय जो खेला गया है एनडीए की गवर्नमेंट के द्वारा कि फार्मर्स को अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने जो स्टेप्स लिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, तो इसके रिगार्डिंग जो है आज द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया है कि हाइक इन एमएसपी जो है ये एक तरीके से पॉलिटिकल प्लॉय है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है उसको समझने से अच्छा ये होगा कि हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को कनेक्ट करते हुए ये जो मसला है वो कहाँ पर हमारे एजुकेशन फील्ड के अंदर हमें कनेक्ट करता है, तो इसको इस एंगल से देखेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो है न्यू ट्रेड ऑर्डर्स, तो यहाँ पर जो है यूएस जिस तरीके से काम कर रहा है तो वहां पर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के पास इतने राइट्स है, जहां से क्वेश्चन उठता है तब से लेके अभी क्या चल रहा है, चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने क्या क्या पॉइंट्स रख रहे हैं, इस जो ट्रेड वॉर है इसके इंडिविजुअली भी कहां कहां पे अपने अपने कंट्री के अंदर कौन कौन सी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिली है उसको यूएस के एंगल से देखेंगे। दोनों आर्टिकल के डिटेल एनालिसिस करने के बाद, कंप्लीट हिंदी के अंदर डिकोड करने के बाद आपको जो है अंत में 10 शब्दों की वोकेबलरीज मिलेगी जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर जो है वर्ड्स को आपको डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू करना है, और ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जो है राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको सुधार जरूर से देखने को मिलेगा अगर ये वर्ड्स जो है आप उसको देर रोज बरोज की जिंदगी के अंदर यूज करना शुरू कर देते हैं।
तो पिछले एडिटोरियल में हमने आपसे पूछा था हु हैज बीन क्राउन्ड एज द इंडिया फर्स्ट ट्रिब्यूनल ट्राइबल क्वीन। तो यहाँ पर ट्राइबल क्वीन जो है उसके अंदर में चार ऑप्शन दिए थे, माजी, हंसदा, मुंदा और दुर्वा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है पल्लवी दुर्वा। अनफॉर्चुनेटली किसी भी व्यूअर ने जो है सही आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ पर जो है कूपन कोड जो है वो वेस्ट हो गया है। तो आज जो है नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही जवाब रहा तो आपको जो है आपको कॉल करना पड़ेगा हमारे डिस्क्रिप्शन के नंबर प्राप्त करके, और आपको जो है कूपन कोड SMS के माध्यम से मिल जाएगा, ताकि जो है आपको ये वीडियो कोर्स जो है डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल सके। तो आज का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और एलिजिबल करिए अपने आप को इस कोर्स के कूपन कोड के लिए। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल यानी कि DG ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन? क्रिस्टीन ए एल्ड, अब्राहम हैंसन, एंटोनियो विटोरिनो या फिर डी जॉर्ज क्रैनन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, और लेके जाइए कूपन कोड वीडियो कोर्स के रिगार्डिंग। आज का जो फन फैक्ट है वो रेफ्यूजीज के ऊपर फन फैक्ट है। अगर इंटरनेशनल क्वेश्चन का आप कहीं पर आंसर लिखते हो, रेफ्यूजी के रिगार्डिंग बहुत सारे मसले हुए हैं, इंडिया ने कई दफ़ा रेफ्यूजियों को पना दी है, इवन जॉब्स तक दिलाई है, उनको पना देने के बाद उनको घर, खाना, सिटीजनशिप, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडियंस ने की है। हाल ही के अंदर जून मंथ में जो है इश्यू उठा था, जून के स्टार्टिंग के अंदर, कि भाई जो यूके है वहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो का ग्रुप है, जैसे कि पहले ब्रिटिश जो थे जहाँ जहाँ पर अपनी कॉलोनियाज एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो वहाँ से जैसे उन्होंने काम छोड़ वहाँ पर कॉलोनी अपनी शट डाउन की, उन लोग को इंडिपेंडेंट कर दिया, तो वहाँ से जो है उन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जो है ब्रिटेन के अंदर लोग जो है मजदूरी करने के लिए आया करते थे। तो माइग्रेशन और रेफ्यूजी ये पॉइंट जो है वो करंट टॉपिक बनता है, तो कहीं पर भी इसके रिगार्डिंग MCQ भी आ सकता है और डिटेल क्वेश्चन के अंदर भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आज फन फैक्ट है, यूनाइटेड नेशनल रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजी के ऊपर जो नियर ईस्ट के अंदर एस्टेब्लिश है, तो इसको रीड आउट करते हैं। Created in December 1949, the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees in the Near East, that is UNRWA, is a relief and human development agency which supports more than 5 billion registered Palestinian refugees and their descendants who fled or were expelled from their homes during 1948 Palestine War, as well as those who fled Palestine War. Six-day war, it was provided relief to Jewish and Arab Palestine refugee inside the state of Israel during the 1948 conflict. Until the Israel government took over the responsibility for Jewish refugees in 1952, in the absence of a solution to the Palestine refugee problem, the United Nations General Assembly has repeatedly renewed UNRWA's amendment, most recently expanding it until 30th June 2020. The UNRWA is the only United Nations agency dedicated to help refugees for a specific region or conflict and is separate from UNHCR, formed in 1950. UNHCR is a main UN refugee, United Nations refugee agency, which is responsible for aiding other refugees all over the world. Unlike UNRWA, UNHCR has a specific mandate to aid its refugee to eliminate the refuge status by local integration in local in current country, resettlement in a three country, or repatriation when possible. UNRWA allow refugee status to be inherited by descendant. तो पैलेस्टाइन और इसराइल का जो मसला था 1947 के अंदर, वो जो आजाद हुए थे, तो यूनाइटेड नेशन ने UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजी नियर ईस्ट, एस्टैब्लिश किया,
और यहाँ पर ये जो है 2020 की 30 जून तक यहाँ पर जो है ये अभी एग्जिस्ट करेगा। और इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर रेफ्यूजी के लिए जो भी संस्था है, जहाँ जहाँ भी रेफ्यूजी है, तो वहाँ पर है UNHCR। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मेनली रीजन बेस्ड एक ही रेफ्यूजी के लिए सेटअप किया हुआ एक सेंटर है। बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए सिर्फ एक ही संस्था है जिसका नाम है UNHCR। पहला जो करंट अफेयर है आज का जो है, द हिंदू एडिटोरियल का जो पहला टॉपिक है वो है अ पॉलिटिकल प्लो यानी कि चाल ऑन हाइक इन MSP यानी कि मार्जिनल सपोर्ट प्राइस और मार्जिनल सेलिंग प्राइस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी खरीफ जो समर क्रॉप्स थे उसके अंदर दिखाया कि भाई 3.7% इंक्रीज देखने को मिला उड़द के अंदर और 52.5% सीरियल रैगी के अंदर, जो प्रीवियस सीजन के दाम है उसके सामने। तो NDA गवर्नमेंट ने ये अभी प्रॉमिस किया है कि वो 150% जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने जो है अश्योर करेंगे प्रोमिसिंग प्राइस। यानी कि बात ये हुई कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस विल बी 50% प्लस द कॉस्ट ऑफ इनपुट, यानी कि जो आप इनपुट लगा रहे हो उसका जो खर्चा है, मान लीजिए वो अगर 100 रुपये है तो यहाँ पर 50% जो है आपकी कॉस्ट का है वो आपका प्रॉफिट ऐड होगा। यानी कि 100 का 50% होता है 50, तो 100 प्लस 50 द टोटल अमाउंट यू विल गेट एज एन MSP विल बी 150। अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए किसी चीज की जो है कॉस्ट है 2 रुपए है, तो 2 रुपए का 50% होता है 50, 25 होता है 1 रुपया, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी वो होगी 3 रुपए। तो यहाँ पर जो ये साल का बजट है, यहाँ पर ये कैलकुलेशन आगे जाके अब देखने को मिलेगी। आने वाले बजट के अंदर भी ये पॉइंट्स आएंगे कि एक्चुअली फार्मर्स को क्या मिलने वाला है और जो वैल्यू जो अनपेड फैमिलियर लेबर जो फील्ड के अंदर एंगेज है उनको किस तरीके से यहाँ पर जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर राइस जो हाइक की बात करें तो MSP जो है बाजरा जो होता है उसके ऊपर 97% देखने को मिली यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट की। और ऑन एन एवरेज अगर सारी 17 खरीफ क्रॉप्स की कैलकुलेशन मिला के एवरेज दिखा रहे कि किसके अंदर कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो 2013-14 के अगर बजट की बात की जाए तो 25% अभी जो है प्राइस MSP का हायर देखने को मिला एवरेज। फिर भी यहाँ पर जो नाखुश फार्मर्स थे उन लोगों ने विजिट की थी PM मोदी के घर के ऊपर, तो तभी जाके उन लोगों को बताया गया कि 150% वाला कुछ आपके लिए आगे जाके समय के अंदर आने वाला है। तो 2014 के अंदर जब इन्होंने कमान संभाली तब से लेके इन लोगों पर काफी बार क्लेम हुए कि आप जो है फार्मर्स और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ नहीं करते। इवन कल रिसेंटली कल 6 जून को न्यूज निकल के आती है कि कर्नाटका के अंदर फार्मर्स का जो लोन वगैरह है वो 34,000 करोड़ रुपए का लोन जो है वो माफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पॉलिटिकली अगर आप देखें तो सरकार जो है सरकार के ही पैसे से अपने वोट्स जो है खरीदने की तादाद पे लगी हुई है कि भाई गवर्नमेंट के पैसे से कुछ ऐसे सेटिंग्स कीजिए कि अगर वोट लेने पड़ेंगे तो एक एक चीज को वोट देने जाना पड़ेगा, पैसा देने जाना पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे हम जो है मास्टरमाइंड वाला काम, फार्मर्स को अपनी कर लेते हैं जेब में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पैसे से ही जो है वोट्स को खरीदने की एक नई सी चाल सामने आई है कि ये लोग जो है फार्मर्स को यहाँ पर इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, फार्मर्स यहाँ पर इम्प्रेस हो जाएंगे, एक दो बार इन लोग को मार्जिनल सपोर्ट प्राइस में सपोर्ट दे देंगे, बाद में बोल देंगे ये आपके लिए हमारे लिए ये करना पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ आपके लिए प्राइस बैंड सेट कर सकते हैं, लेना ना लेना आपकी जो मर्जी है वो बायर के हाथ में है, ऐसा करने वाले हैं ये लोग। हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरीके से करती है। तो फुल प्रूफ मैकेनिज्म यहाँ पर जो है बजट के अंदर देखने को मिलेगा। आप जो है सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पर जो रेम्यूनरेशन और जो मार्केट प्राइस अगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट की गई है उससे नीचे जाती है तो क्या गवर्नमेंट इसको परचेज करेगी या नहीं करेगी, तो ये जो सारे मसले हैं।
तो ये देखे जाएंगे। अब पहले अगर बात की जाए तो मार्जिनल सपोर्ट प्राइस जो थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वहां पर ये पॉइंट था कि गवर्नमेंट जो है वो वीट और पैडी के ऊपर ही ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराता था, लेकिन आज जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे क्रॉप्स, रवी और खरीफ क्रॉप्स के ऊपर ये सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। तो अभी जो मेन है, सेंट्रल्स प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस ईयर इज दैट टू एंड ओवर द स्टेटस, लोगों के अंदर प्रशंसनीय बनना है, यही इनका अभी मेन उद्देश्य है, ताकि जो 2019 के अंदर जो इलेक्शन आने वाले हैं वहां पर जो है ये लोग जीत के आ सके। तो यहाँ पर है इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन की बात की, कंज्यूमर प्राइस का इन्फ्लेशन देखे तो वो 0.5 से लेके 1 के बीच में रहने वाला है, 18-19 के बीच में। तो यहाँ पर सेंट्रल फिस्कल अरिथमेटिक जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलने की नहीं मिलेगी, अगर 15,000 करोड़ या फिर 0.1% ऑफ GDP तक यहाँ पर जो है चेंज देखने को मिलता है। तो कॉस्ट जो है यहाँ पर किसी चीज को उगाने की, इनपुट कॉस्ट जो होगी और MSP का एनफोर्समेंट होगा, तो लगता अभी ऐसा है कि फार्मर फ्रेंडली जस्टिस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। ये एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पे जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसके रिगार्डिंग जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स है वहां पर एक चेंज देखने को मिला है कि भाई जो सुगर का भी आपने एग्जांपल देखा था 30 बिलियन हेक्टर का यहाँ पर जो है ये लोग स्टॉक जनरेट करने वाले हैं, ताकि जो है प्रोडक्शन भी एक लिमिट के अंदर यहाँ पर सेटिस्फाई हो सके, दूसरा जो है मिल वाले जो है उसको भी यहाँ से निकाल सके अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट्स छे भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे कि अगर फार्मर्स को इतनी अच्छी प्राइस मिलती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो देखते हैं कि जो सपोर्ट है वो किस तरीके से इनहेंस होता है। और अगर रूरल एरिया में पैसे जाते हैं तो इंडिया के ग्रोथ के पहिए जो है वो रियलिटी के अंदर घूमने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या नए रिजल्ट निकल के आते हैं। देखते हैं दूसरा द हिंदू एडिटोरियल का जो आज का डिस्कसेबल टॉपिक है वो है US का रवैया, यूनाइटेड स्टेट का जो है रवैया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने प्रोटेक्शनिस्ट है कि जो ट्रेड है वहां पर कोई उम्मीदें नहीं है। इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके जो अलाइज है और जो एडवाइजरी है वो भी इस ट्रेड के रिगार्डिंग इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। इवन जो US की जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस है वो भी सेम टाइम जो ट्रेड रिलेशंस है उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट लगा रही है। तो यहाँ पर जो है घबराहट सी महसूस होती है कि US के साथ कैसे रिलेशंस बना के रखे। तो यहाँ पर पॉइंट ये निकलती आता है सम पॉइंटर्स कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है वो क्यों चाइना के ऊपर और या फिर अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड वॉर करने में जुड़ी हुई है। तो तीन पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर देने की कोशिश की है राइटर ने। एक है कासूस बैली, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि चाइना जो है उनके पास जासूसी करने का ऐसा जरिया है जो बायलेटरल ट्रेड डेफिसिट से पता चलता है कि भाई ये लोग जो है एकदम से हमें कॉपी कर लेते हैं। दूसरा ये पॉसिबल प्रोटेक्शनिज्म की बात यहाँ पर इसको देखते हुए थोड़ी सही लगती है। दूसरा जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है बिजनेस अमेरिका के जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका फोकस जानने के बाद जो है यहाँ पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन और फोकस जाने के बाद जो एक्वायरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसके ऊपर इन लोगों ने बहुत काम किया। काफी साल पहले चाइना ने जो है अमेरिका को बोला कि हम लोगों के पास जो है ओवर कैपेसिटी के अंदर जो है यहाँ पर स्टील अवेलेबल है। तो उस टाइम भी व्हाइट हाउस ने ये बोल दिया कि ग्लोबल ट्रेड कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम जो है आपका सामान यहाँ पर नहीं लाने देंगे। तो यूरोपियन यूनियन और कैनेडा है वहां पर भी चाइना के माल के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स और कटौती देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है चाइना को इसी रिगार्ड से उनको दूर रखने की कोशिश की जाती है कि चाइना बोलता कुछ है लेकिन भेजता कुछ है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के सामने चाइना जो है इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है विद इन द सिस्टम। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए कि उनके हाथ में इतने पावर्स कैसे आए, तो पहले यहाँ पर जो है US की जो कांग्रेस थी 1930 से पहले के टाइम पीरियड के अंदर उनके पास जो थे वो पावर्स हुआ करते थे जो डिसाइड करते थे कि किस तरीके से
फॉरेन ट्रेड और जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है गुड्स का, उसको सुपरवाइज किया जा सके, तो कांग्रेस मेंटेन किया करती थी। तो बाद में पता चला कि भाई कांग्रेस जो थी वो बहुत सारी प्रोटेक्शनिस्ट हुआ करती थी। तो भाई नेशनल इंटरेस्ट के अंदर अगर कुछ बात सोचनी है तो रियलिटी के अंदर जो है ये पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाना चाहिए। और बाद में जो है ये पावर प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है और जो है काफी साल बीत जाते हैं, लेकिन ये जो पावर है कि जो प्रोटेक्शनिज्म वाला जो पॉइंट है उसको यूटिलाइज करने वाला कोई ऐसा प्रेसिडेंट आया ही नहीं। और कांग्रेस जो थी वो भी कभी ऐसी जो आज जो सिचुएशन है उसके ऊपर टांग लड़ा रही है, तो वहां पहले टांग लड़ाया नहीं करती थी। और वहां पर यूएस के अंदर जो है प्रेसिडेंट भी बहुत फ्रेंडली हुआ करते थे, वो ट्रेड रिलेटेड प्रो हुआ करते थे कि भाई आप ट्रेड कीजिए, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट जो 1962 है वहां पर वो सोचा करते थे कि कैसे जो है देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है इकोनॉमी को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे बायलेटरल रिलेशंस इंक्रीज किए जाए, कैसे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ट्रेड के माध्यम से इनहेंस किया जाए। तो यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट प्रेसिडेंट के आने के बाद जो है चेंज एकदम से आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। एकदम से यहाँ पर जो है पकड़ के रख लिया है इकोनॉमी को। तो यहाँ पर अगर फाइनली हम देखें व्हाट लाइज अहेड कि भाई यूएस ने जो है और 34,000 बिलियन डॉलर्स की प्रोडक्ट्स जो थी चाइना के ऊपर जो वहां से इंपोर्ट हो रही थी उसके ऊपर 6 जुलाई, जी हाँ दोस्तों 6 जुलाई से यानी कि कल गई पिछले दिन से जो है यहाँ पर इसके ऊपर जो है टैरिफ लगा दिया है। तो चाइना ने कहा है कि हमने जितने गुड्स के ऊपर टैरिफ हमारे लगे हैं हम उतने ही ग्रुप के ऊपर रिटालिएट करके टैरिफ लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि हम उस रिटालिएशन के ऊपर भी रिटालिएट करेंगे। बाद में जो है डोनाल्ड ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन जो है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर भी टैरिफ डालने वाले हैं। तो इस बात को सुनते ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं यूरोपियन यूनियन के, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी कार की कंपनियां हैं जो ऑटो सेक्टर के अंदर काम करती है। इवन हमारी जो टाटा है उन्होंने जो जेगवार को टेक ओवर किया तो जेगवार भी जो है यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के अंदर काम करती है। तो यूरोपियन यूनियन 300 बिलियन का यहाँ पर बिजनेस करती है। जो ऑटो टैरिफ अगर इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है अब एंड अप होगी। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है ऑटो ट्रेड का वो भी यहाँ से प्रभावित होगा। स्टील और एल्यूमिनियम की वॉर के बीच में अब जो है ऑटो ट्रेड सेंटर भी यहाँ पर डैमेज होगा। तो यहाँ पर जो है फायदा जो है यहाँ पर हर किसी को नहीं हुआ है, कहीं फील्ड के अंदर फायदा हुआ है, कहीं फील्ड के अंदर नुकसान हुआ है। अगर अमेरिका की ही बात करें तो रफली 1,40,000 अमेरिकन जो है वो स्टील प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं और 2 बिलियन वर्कर्स ऐसे हैं जो ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर स्टील है वो मेजर इनपुट है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रोटेक्शनिस्ट तरीके हैं उससे क्या हुआ है कि जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं या फिर उन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जहाँ पर स्टील को इनपुट की तरह माना जाता है, तो उनके लिए जो है दिन बहुत खराब रहे हैं। और आके जाके जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो तो वहाँ पे और भी ज्यादा समस्याएं आने का यहाँ पर प्रश्न है। तो ये सारे जो मसले हैं ये पॉइंट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ चेंज लाने की जरूरत है। तो कई इंडस्ट्रीज ऐसी है जो सफर कर रही है और यहाँ पर जो कई इंडस्ट्रीज ऐसी है जो रिटेलिएटरी बैरियर्स के सामने जो है नुकसान उठा रही है। तो यहाँ पर हार्ली डेविडसन का एक एग्जांपल दिया गया है कि भी जो रिलोकेशन हुआ है हार्ली डेविडसन का प्रोडक्शन का, तो हार्ली डेविडसन जो मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो प्रेसिडेंट का कहना है कि प्रोटेक्शन जो सिस्टम हमने अपनाई है वहां पर अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यहाँ पर इंक्रीज होगा, और जो ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करने वाले जो है वो दोनों हाउस की मेजोरिटी को यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं लेजिस्लेचर की। और ट्रेडिशनली जो रिपब्लिकन जो होते थे वो जो प्रो बिजनेस और प्रो ट्रेड पार्टी वाले हुआ करते थे, मेंबर ऑफ कांग्रेस जो थे वो यहाँ पर री इलेक्शन चाह करते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं रिपब्लिकन पार्टी से, लेकिन जो है जो टैक्स कट और जो गुड स्टेवरशिप ऑफ इकोनॉमी और कैंपेन बेस ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म का जो व्यू पॉइंट है वो कांग्रेस से भी यहाँ पर जो है चिढ़ा हुआ है। तो प्रेसिडेंट की जो ये ट्रेड भरी ट्रेड रिगार्डिंग नीतियाँ है वहाँ पर जो है लोग इसके सामने बहुत ही नाखुश है। दूसरी बात यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट के मसले हैं
डिसअपॉइंटमेंट के जो मसले हैं कि किस तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप और जो कांग्रेस है वहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। कुछ भी कहो, यहाँ पर जो ट्रेड वॉर है वो ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं अंत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म वाली नीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है चल रहे हैं। आर्टिकल के अंदर इतना ही, यह है वोकेबुलरीज जो आपके राइटिंग स्किल्स को इनहांस करने के लिए आपकी मदद करेगा। 10 वर्ड्स है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट डाउन करना शुरू कर दें वीडियो को पॉज करके, और इसको रूटीन लाइफ के अंदर यूज करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके राइटिंग स्किल्स को इनहांस करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दीजिए ताकि वीडियो को आपको प्रमोशनल कोड के साथ मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना जो है वो नए व्यूअर्स के लिए ऑलमोस्ट कंपलसरी है, तो वो मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।